हीरे मोतियों से भी कीमती है ये चमत्कारी पत्ता। अगर पहचान लोगे तो जरूर इसे तोड़कर घर लेकर आए और आज मेरे इस बताए हुए तरीके से इसका इस्तेमाल जरूर करें। आपकी लाइफ में आने वाली गंभीर से गंभीर बीमारियों को चुटकियों में खत्म कर देगा ये पत्ता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ पपीते के पत्ते के बारे में। गर्मी आते ही बहुत से लोग पपीता खाना पसंद करते हैं, लेकिन पपीते की पत्तियाँ उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद होती हैं। क्या फायदा होता है वो जरूर जानिए और उसको बनाना कैसे है आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। पपीते की चाय, पपीते की चाय किन किन रोगों से लड़ सकती है, किन बीमारियों को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं सिर्फ पपीते की चाय का इस्तेमाल करके, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। लास्ट में मैं पपीते की चाय बनाना बताऊंगी और उससे पहले इससे होने वाले फायदे और इससे दूर होने वाली बीमारियां। अगर आपको भी डेंगू हो चुका है, आप भी अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पर हैं, आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, आपका लिवर डैमेज होता जा रहा है, तो ऐसे में आप अगर पपीते की चाय पी लेंगे तो 2 से 3 घंटे में आपका डेंगू कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, आपकी प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाएगी और आपके शरीर में खून के थक्के जो बन रहे थे वो रुक जाएंगे और आपका लीवर डैमेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हमारे शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं, खून जमना शुरू हो जाता है, तो उससे हमारा लीवर सबसे पहले डैमेज होता है, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा, अगर आप बीमारियों से लड़ना चाहते हैं, आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है, सर्दी हो गर्मी हो, सुबह उठते ही हमेशा आपको कुछ ना कुछ थकान बीमारी ऐसा हमेशा फील होता रहता है, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। तो ऐसे में अगर आप पपीते की चाय का सेवन करेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपकी इम्यून सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी है। जो आप पहले जल्दी जल्दी बीमार पड़ते थे, आपको जुकाम खांसी हो जाता था, बुखार हो जाता था, ये सारी समस्याएं एकदम से खत्म होती जा रही हैं। तीसरा बहुत बड़ा फायदा, अगर आपको भूख नहीं लगती जिसके कारण आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इस चाय का सेवन करें, यह आपकी समस्या का बहुत बढ़िया तरीके से समाधान करेगी। इसके लिए पपीते के पत्तों की आपको चाय कैसे बनानी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। उसी तरीके से सेम आप रोजाना सेवन करें, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको खुलकर भूख लगनी शुरू हो गई है, आपके पेट में जो एसिड बनता था वो बंद हो गया है, आपको जो कब्ज की समस्या थी वो ठीक हो गई है और आपके बॉडी में जो फैट होगा ना वो भी टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आपके ऑर्गन्स में से जितना भी वेस्ट ऑक्सीजन होता है आपकी बॉडी में से वो बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकालता है और आपकी बॉडी को अंदर से बिल्कुल साफ कर देता है। क्योंकि आपने नोटिस किया है कि हम रोजाना अपनी जिंदगी में बहुत हेल्दी खाना खाते हुए भी बहुत अनहेल्दी चीजें भी अपने अंदर डाल लेते हैं, तो जो डल जाती हैं चीजें वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स पे आपकी बीमारियों को जन्म देती हैं, तो ऐसे में उस चीज को हमें अपने शरीर से बाहर भी निकालना होता है। तो अगर आप पपीते की चाय पीते हैं तो ये आपकी सारी एक्स्ट्रा चीजों को आपके शरीर से बाहर निकालने का बहुत बढ़िया काम करती है। अगर आपके ब्लड में भी प्लेटलेट्स की कमी है तो जरूर रोजाना इसका सेवन करें, आपके शरीर में ब्लड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्लेटलेट्स भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। अक्सर महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसे में अगर आप इस चाय का सेवन करेंगे, इसमें आप स्वाद के लिए इमली नमक पानी कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, तो आप खुद ही देखेंगे कि जितना भी आपका दर्द था, जितना भी आपके पेट में ऐंठन हो रही थी, आपको बहुत ज्यादा पेन थे जो बर्दाश्त के बाहर थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आपकी जो सूजन थी पेट की वो भी ठीक हो चुकी है। अगर आपको भी पिंपल्स की बहुत समस्या है तो आप कोई भी दवा के साथ साथ घरेलू उपचार जरूर करें, पपीते की पत्तियां आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसके लिए पपीते की सूखी पत्तियों को लेकर पानी के साथ मिक्स करके उसका पेस्ट बना लें, इस पेस्ट को पिंपल पर लगाएं। मैं आपको गारंटी देती हूं, जो डॉक्टर से आप अब तक इलाज करते आ रहे हैं फिर भी आपके पिंपल्स ऐसे के ऐसे हैं, दुनिया जान की आप क्रीमें भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो एक बार इसका इस्तेमाल करें, इसका फर्क आपकी नजर के सामने होगा, आपके पुराने से पुराने पिंपल्स, उनके दाग धब्बे चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज इसको इस तरीके से अपने पिंपल वाले एरिया पे जहाँ आपके मार्क्स हैं या पिंपल है वहाँ पर जरूर लगा के देखेगा, बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। पपीते की पत्तियां सबसे गंभीर बीमारियों में से माने जाने वाली कैंसर से भी आपका बचाव करती है, ये ना सिर्फ बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाती है बल्कि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, लंग कैंसर को भी रोकने में बहुत
बहुत ही मददगार है। पपीते की पत्तियों के फायदे सिर्फ यही खत्म नहीं होते, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन पपीतों की पत्तियां मलेरिया से भी आपको बचाती हैं। अगर आप इस चाय का सेवन जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से करते हैं तो आपको मलेरिया नहीं होगा या जिनको हो रखा है तो वो भी दूर हो जाएगा। पपीते की पत्तियों में 50 एक्टिव कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी और कैंसर सेल्स को जड़ से खत्म करते हैं। अगर आप पपीते की चाय का सेवन करते रहते हैं तो इसमें होता है लैक्सेटिव एसिड जो आपके शरीर में कब्ज की समस्याओं को, आपके पेट से जुड़े, आपके पाचन से जुड़े सारी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से खत्म करता है। ये आपके लिए वरदान है, इसका सेवन जरूर करें। अब जानते हैं इस चाय को बनाना कैसे है। इसके लिए आपको एक कप पपीते के पत्ते लीजिए, उसके बाद एक ओखली या मूसल के जरिए इसको पीस कर इसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद आपने लेना है एक गिलास पानी और उसको उबालना है, उसमें इस जूस को ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसको उबलने दीजिए। उसके बाद आप इसको एक गिलास में डाल के उसमें हल्का सा शहद मिला के मरीज को दें, जिससे उसका स्वाद भी उसको आएगा और उसकी प्लेटलेट्स बढ़ने लगेंगी और ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। जरूर इस चीज का सेवन करें और फिर देखें कि आपको क्या क्या फायदे होते हैं। और प्लीज आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अपना एक्सपीरियंस हमेशा हर वीडियो में शेयर किया करें, मैं ऐसी हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाती रहूंगी, आपका ख्याल रखती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।